हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. माय सेल्फ डॉक्टर उर्वी शर्मा एंड दिस वीडियो इज अबाउट प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर फॉर वीगन्स एंड वेजिटेरियंस एंड आल्सो फॉर नॉन वेजिटेरियंस आल्सो. सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट द फास्ट एंड अप प्लांट प्रोटीन पाउडर. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फास्ट एंड अप, बट एक्चुअली आई वॉन्ट टू रिव्यू ऑनेस्टली अबाउट दिस प्रोडक्ट. So I used this product for a week and then I made this video to help you guys about the protein intake. So we all know that protein is the very essential part of our healthy diet, and it is very required to use to build and repair muscles, bones and make hormones and enzymes in our body. And there are the building blocks of amino acids which made protein in our body. So all the amino acids which is required in our body should be included in our daily diet. So let's talk about this plant protein while drinking tea also in between. So yeah guys, about the protein I told you, and ye video on sabhi ke liye hai jo gym karte hain ya nahi karte hain, but on daily basis we all need the protein in our diet. सो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कितना प्रोटीन इंटेक आपका डेली होना चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस 0.8 टू अप्रॉक्स 1 ग्राम पर बॉडी वेट आपको लेना चाहिए प्रोटीन. सो इट इक्वल्स टू कि अगर आप 75 केजीज के हैं तो आपको बेसिकली 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, एंड इफ़ यू आर 51 52 केजीज देन आपको 40 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए, 0.8 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट. सो एज़ वी ऑल नो कि हमारा जो डाइट होता है दिन भर का वो इतना प्रॉपर नहीं होता है. वेजिटेरियंस के लिए तो लोगों को और लगता है कि वो लोग पूरा अगर प्रॉपरली पल्सेस एंड सीरियल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रॉपरली इनटेक में दिक्कत आएगी, है ना, प्रोटीन की. सो हम लोगों को अपनी प्रोटीन इनटेक कवर अप करके चलनी चाहिए. तो ये जो मिथ है कि प्रोटीन सिर्फ जो जिम करते हैं या वर्कआउट करते हैं उन्हीं को लेना चाहिए क्योंकि वो लोग को एनर्जी या फिर अपना मसल वेट गेन करना है और वेट गेन या वेट लूज़ करना है तो इसलिए लेना चाहिए, ऐसा नहीं है. कोई भी इस प्लांट प्रोटीन को यूज़ कर सकता है, जो भी एथलीट है, फिटनेस एंथूसियास्ट है, बॉडी बिल्डर्स हैं, या फिर कोई भी जो भी एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, है ना, कोई भी वर्किंग मैन वुमेन हो गए, बिजनेस वाले हो गए, या फिर जो भी क्लास के जो हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, क्योंकि सिर्फ एनर्जी जो होती है वो सिर्फ हमारी वर्कआउट में यूज़ नहीं होती है, हमारी डेली बेसिस के ब्रेन एक्टिविटी और बाकी सारे वर्क्स में भी यूज़ होती है. So those who want to maintain the general well-being can use this protein for muscle building and strength, for ensure post-workout muscle recovery, and also to fulfill your daily protein intake, you can take this protein powder on your daily basis. ठीक है. So hectic, stressful या busy lifestyle है so called हम doctors की, हमें दिन भर हम लोग कई बार हमारी ऐसी shift भी जाती है जिसमें हम लोगों को खाना तक नहीं खाने को मिलता, सिर्फ चाय पे रहते हैं या फिर सिर्फ पानी भी मुश्किल से पी रहे हैं. तो ऐसे सब में हम लोगों को खास करके अपनी बॉडी में प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए बॉडी में कि वो प्रॉपर जाए, क्योंकि बात एक दिन की नहीं है. आपका ये जो lifestyle है या आपका lifestyle ऐसे ही रहने वाला है doctors के लिए भी hectic, stressful. तो मैं अपनी lifestyle कैसे फॉलो करती हूँ और मतलब किस तरीके से मैं पूरा प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक सबका ध्यान रखती हूँ वो मैं इसमें वीडियो में आपसे शेयर करूँगी. सो अब बात करते हैं हम इस प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर की, कि फास्ट एंड अप का ही प्लांट प्रोटीन अच्छा है या फिर कोई दूसरी कंपनी का मैं यूज़ करना चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द फास्ट एंड अप प्लांट प्रोटीन. सो मैंने और भी दूसरे प्रोटीन यूज़ किए हुए हैं पहले, न्यूट्रोबे, मसल ब्लेज, और भी प्रोटीन जो आता है हमारा सर्टिफाइड USA वाला वो. तो इसमें ऐसी क्या खास बात है जो कि मैंने इसको यूज़ करके देखा है यहाँ पर एंड मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी. तो इसमें जो है ज़्यादा दो चीज़ की क्वालिटीज़ में काफ़ी अच्छी है. एक तो इसमें 4 to 5 टाइप के फ्लेवर्स हैं एंड साथ में ये 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है. दिस इज़ क्लीन, सर्टिफाइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड बाय द USA. एंड इसके एक स्कूप में वी हैव 26 ग्राम ऑफ प्लांट प्रोटीन इन 39 ग्राम ऑफ स्कूप. तो इसमें जो मेन बात है कि हमेशा एक ही अगर प्लांट प्रोटीन रहता है तो आपको ज़रूरी नहीं कि सारा आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा हो, बट यहाँ पे दो तरीके का प्रोटीन यूज़ किया गया है, येलो पीस एंड ब्राउन राइस. एंड इसमें 4.6 ग्राम BCAA एंड 4.8 ग्राम ग्लूटामिन भी है साथ में, एंड 7.63 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है. शुगर नाम मात्र के बराबर सिर्फ 2 ग्राम है, एंड
वाई टू चूज फास्ट एंड अप प्लांट प्रोटीन ओवर अदर प्रोटीन्स। सो इसमें ऐसी क्या बात है, इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन यूज किया गया है। इट्स इंग्रीडियंट्स हैं वो सब अच्छे हैं एंड इट्स टेस्टेड इन द यूके। द स्मूथनेस एंड द क्रीमी टेक्सचर इज 3 times मोर देन द नॉर्मल प्रोटीन जो कि आते हैं यहाँ पर आजकल मार्केट में। एंड द बेस्ट थिंग जो मेन एक प्लांट प्रोटीन में अच्छी होनी चाहिए वो होता है कि वो ईजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। तो ये 2x लाइट है ऑन द गट, नो ब्लोटिंग और गैस कुछ भी ये बनाता नहीं है। ये कम्प्लीटली अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें पूरे एमिनो एसिड्स को अच्छे से कवर किया गया है, साथ में इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड प्रोबायोटिक्स भी इंक्लूडेड है। सो इन 3-4 चीज़ों की वजह से ये टॉप में आ चुका है अभी के लिए। एंड ऑल्सो इनमें फ्लेवर्स में भी इन्हें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। पहले फ्लेवर्स काफ़ी माइल्ड थे लेकिन अभी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स निकाले हैं। तो उसमें जो है अपने आ जाते हैं रिच चॉकलेट, अल्फांसो मैंगो और साथ में हमारी कुकी एंड क्रीम, स्ट्रॉबेरी ब्लास्ट। इस तरीके से 4 से 5 फ्लेवर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं एंड ये 100% वीगन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। साथ में हमें इसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। सो हमको आप प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट आप इसको ले सकते हैं या फिर रात में दिन में जब भी आपको सुटेबल हो एक टाइम आप इसे ले सकते हैं। और इसमें आपको करना ये है कि 300 ml ऑफ वाटर लेना है या फिर अपनी स्मूथी बना के भी आप ले सकते हैं। तो एक स्कूप 300 ml ऑफ वाटर में लेके आपको इसको अच्छे से शेक करना है एंड उसके बाद में पी जाना है। आप इसकी स्मूथी बना सकते हैं, इसको आइसक्रीम, पैनकेक्स किसी फॉर्म में खा सकते हैं। आजकल ऐसा ही चल रहा है, आप बढ़िया से ओट्स ले लीजिए, उसके बाद में एक बनाना या फिर एप्पल जो भी आपको पसंद है फ्रूट वो डाल के इस एक स्कूप प्रोटीन पाउडर को डाल के इसमें मिल्क ऐड करके भी आप उसको स्मूथी बना के ले सकते हैं। मैं दोनों तरीके से प्रीफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जो भी। एंड उसके बाद में साथ में थोड़ा सा इसी वजह से आप प्रोटीन लो तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि थोड़ा सा वर्कआउट तो कर ही लेना चाहिए। तो मैंने भी कर लिया, मैंने कहा क्या ही जाता है, थोड़ा सा तो मूवमेंट ज़रूरी है। वैसे भी आजकल सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही पड़ रही हैं तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा मूवमेंट करें, एक्सरसाइजेस करें। सो ये जो है हमारा फिटनेस इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प कर रहा है, मसल बिल्डिंग में, मास स्ट्रेंथ में, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट में। एंड इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल टेस्ट है एंड परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलती है इसके बाद में। एंड ऑल्सो अगर आप मेरी ही प्रोवाइड की गई लिंक से ओपन करके बाय करने जाएंगे या फिर इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी अभी न्यू ईयर की वजह से ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। वैसे ये 3500 का है बट अभी ये 2000 समथिंग में मिल रहा है, 10% डिस्काउंट और मिलेगा आपको मेरे इस कोड यूज़ करने से। सो आई होप आप लोग इसको यूज़ करके ज़रूर देखिए। एंड फास्ट एंड आपका सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही नहीं, इसमें आपको सारी तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। फास्ट एंड आपका विटामिन सी के साथ जो एक कॉम्बिनेशन आ रहा है वो उसमें ग्लूटाथायोन के साथ भी बहुत अच्छा एक न्यूट्रिक्स चेक करके उन्होंने निकाला है जो कि जापानीज मेथड पे बेस्ड है ना। और इसमें ग्लूटाथायोन की वजह से जो विटामिन सी का अब्सॉर्प्शन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। वो भी एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छा है, आई विल रिव्यू इन माई अनदर वीडियो। एंड ऑल्सो एल-कार्निटिन जो है उसका भी मेरे को यूज़ करके देखना है कि वो जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करके फास्ट बर्निंग में हेल्प कर रहा है। एंड मतलब एक गोली बस खानी होती है जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं इजीली वाटर में। एंड आई विल शेयर विथ यू हाउ टू टेक। सो ये प्लांट प्रोटीन की मैंने इस वीडियो में बात की है सिर्फ और सिर्फ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, थोड़ा सा रेस्ट करा बीच में, उसके बाद में मैंने इसको बनाया, पी के देखा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो मेरी डॉगी है सिल्की, इसको भी बहुत पसंद आया। इसको उसकी स्मेल बहुत लगी हुई थी मेरे पीछे पीछे घूमने की मैं क्या खा पी रही हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दिया एंड सच्ची में वो उसको भी खा गई। तो आई अश्योर यू कि ये प्रोटीन का टेस्ट आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा चॉकलेट फ्लेवर ही मंगाती थी लेकिन मैंने जब न्यूट्रोबिक का चॉकलेट फ्लेवर ट्राई किया था तो मुझे थोड़ा सा वो वीगन का टेस्ट आ रहा था। इसमें भी आपको वीगन प्रोटीन का टेस्ट आएगा लेकिन इसमें अगर आप अल्फांसो मैंगो या फिर कोई भी अच्छा फ्लेवर जो आपको पसंद है वो लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पता नहीं चलने वाला है कि वीगन प्रोटीन का कैसा टेस्ट है, क्योंकि बाकी जो वीगन प्रोटीन आते हैं मार्केट में उनका टेस्ट काफ़ी जीप पे लगता है एंड मज़ा नहीं आता उसको पीने में। बट इसको पीने में काफ़ी मज़ा आया मुझे और बहुत ही अच्छा है, आप डेली बेसिस पे इसको ले सकते हैं। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कआउट करो तो ही आप प्रोटीन इंटेक करो, आपको अपनी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 40-60 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट दिस
product and about the routine, and also मैंने न्यू ईयर रिजोल्यूशन के नाम पे थोड़ा सा वर्कआउट और थोड़ा सा योगा प्रैक्टिस इंक्लूड किया है अपने रूटीन में, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटली हेल्दी हो, साथ ही साथ फिजिकली फिट हो, तभी तो वो दूसरों को फिट कर पाएंगे. सो या आई होप यू गाइज विल रिव्यू दिस प्रोडक्ट एंड मस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट, एंड प्लीज़ यूज़ माई कोड टू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन दिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून. और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर सकते हैं, एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जल्दी से मुझे 50k सब्सक्राइबर करने के बाद में एक Q&A वीडियो बनाना है, तो प्लीज़ गाइज अभी जाके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.